रहे हैं, अमरीन हमें सिखा रही हैं चिकन दम पोख, जो कि लाहौर की एक स्पेशलिटी है, अमरीन की स्पेशलिटी है। उन्होंने कहा सब कुछ साथ डाल के चढ़ाना है। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले हमने ये चिकन है मेरे पास, ये तकरीबन 2 किलो के करीब, ठीक है। इसको हम इसको इसमें चिकन इस तरह फैला के डाल। और 1 किलो चिकन के आपने कितने पीसेस किए? मैंने इसके 12 12 तो शोरबे वाले बन जाते हैं, हाँ। मैंने इसके 16 पीस। अच्छा ठीक है, कढ़ाई वाले, कढ़ाई वाले 22-24 चले जाते हैं, बहुत छोटा, तो ये दरमियान का, ठीक है, समझ गई। 1 किलो के आपने 16, तो ये मेरे ये दो चिक, ये दो, हाँ, किलो दो है। किलो है, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई खास ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है, ये प्याज है, ठीक है। प्याज अगर छोटे छोटे प्याज होते हैं जिनको हम आम लोग तौर पर यूज़ नहीं करते, साइड पर कर देते हैं, तो वो तो साबुत डालने होते हैं, लेकिन ये थोड़े बड़े थे प्याज, तो मैंने इस तरह इनको चार चार पीस करके, तो ये तकरीबन 5-6 प्याज इसमें इस तरह ये डाल, ठीक है, ठीक हो गया। और ये हैं जी 4 टमाटर, ठीक है। ये 2 चिकन का हिसाब है, आप लिख लीजिए, ठीक है। और ये है जी 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन की पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून ही, इस तरह फैला दी मैंने। अच्छा, अब जो इन्ग्रीडियंट है ना, दही, अच्छा, 1 कप है भरा हुआ, ठीक है। ये इस तरह इसको फैला के, ठीक है, 1 कप दही, 2 चिकन भर के, जी बिल्कुल। और इसमें जितना दही डाला था उतना ही मैं इसमें पानी डाल दी, 1 कप ही पानी जाएगा। नमक है, ठीक है, 1 चिकन में तकरीबन 1.5 चम्मच 1.5 टीस्पून डलता है, ठीक है। तो ये तकरीबन लगे फिर भी 3 नहीं, मैंने 2.5 कर दिए, 2.5 कर दिए ताकि हल्का रहे, ठीक है। तो ये इसमें 2 मुर्गी में 2.5 टीस्पून नमक, जी ठीक है, नमक हो गया। 2 टीस्पून जीरा, साबुत जीरा, 2 चाय के चम्मच साबुत जीरा, भुना हुआ या कच्चा? कच्चा है, कच्चा। और ये जो साबुत लाल मिर्च है, ये 8-10 मैंने इस तरह 8-10 साबुत लाल मिर्च है, बस ये इंग्रेडिएंट है हमारे। इसको हम तेज आग पे 15-20 मिनट के लिए, बल्कि इसको तेज आग पे ऐसे ही पकने देंगे, ठीक है। और ये दही और पानी जब इस चिकन को खुश करेंगे अच्छी तरह, तो ऑलमोस्ट ये डन हो चुका होगा। और फिर एंड में हम इसको खुशक करके अच्छी तरह, तो घी डाल के भून, बस बस सिंपल। ये जो इस तरह खाना है कि बस जिस तरह हमने आधा घंटा आपके सामने देखा कि हमने नमाज़ पढ़ी है, काम के सब बैठे हैं, गपशप की है, तो वो पानी खुशक हो रहा है। और 1 कप जो घी है, देसी घी मैंने आपको बताया था, तो वो मैं उसमें अब डाल दूँगी, और उसको वो पानी तो खुशक हो चुका, जी बिल्कुल भुनेगा और हमारा खाना रेडी हो जाएगा, ठीक। तो चले मैं फिर ज़रा घी डाल, आप देखें मैं भी आ गई हूँ आपके पीछे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है जी, ये देखिए बस मैंने घी डाला, अच्छा, क्योंकि दही और पानी खुश्क हो चुका था, हाँ। और आपको पता है कि ये फार्मी चिकन जो सा होता है, ये तो बस दही और पानी में ही, अच्छा, वो इतनी मोटी मोटी प्याज भी गल गई, जी बिल्कुल, देख ले टमाटर भी काटा, प्याज भी गायब हो गई। अब ये देसी घी जो सा है ना, ये है बस, इसको 5 मिनट और, अच्छा, इसी देसी घी की खुशबू आ रही है, जी जी। अच्छा, इसको हलाना भी आराम आराम से, क्योंकि ये बोटी बहुत सॉफ्ट हो चुकी है, ओके। ये मैंने घर का देसी घी, मलाइयाँ जो उनसे दूध से उबलती हैं, उनका मक्खन बना के, तो ये घी बनाया। और चलें बस आप बैठे, मैं ज़रा आपको डिश में लेके आती हूँ, चल। अब फिर आपने मुझे बताना है कि ये, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बताएंगे।